हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्टूडेंट्स. कैसे हैं आप सब? तो दिस इज द सेशन ऑन थ्योरीज ऑफ लिवर वेलफेयर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, यहां से आपको एक क्वेश्चन बनेगा. ठीक है, तो पक्का है बनेगा ही बनेगा 2 मार्क्स का. सो इसको आज हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्या है थ्योरीज ऑफ लिवर वेलफेयर, इसको हम डन करेंगे आज. ठीक है जी. और एक इंफॉर्मेशन अबाउट लाइव सेशन. तो लाइव सेशन आपका आज 10 PM होगा. ठीक है जी. तो एंड द टॉपिक इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. तो जो भी स्टूडेंट्स मुझे आज ना अभी कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना इस वीडियो के बाद, पहले इसको पढ़ लेना जो भी मैं अभी पढ़ाऊंगा, उसके बाद बता देना कमेंट बॉक्स में कि आज 10 बजे लूँ या टुमारो 10 बजे लूँ 10 PM. बिकॉज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक है, इसमें जितने भी आपकी जैसे मेंबरशिप हो गया, आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, कन्वेंशन रिकमेंडेशंस, आपकी स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, फिलाडेल्फिया चार्टर हो गया, ये सारी टॉपिक्स के ऊपर आपका MCQ सेशन होगा. तो मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, वो वहां पे ऑप्शंस नहीं होंगे उन क्वेश्चंस में, सिंपल मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर लिखना है. जिनको आता होगा वही लिख पाएगा, तो कम आने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. ठीक है, तो ये है कि आंसर्स वही कर पाएंगे जिन्होंने वो टॉपिक पढ़ा होगा. तो ये जो डेली जो लाइव सेशन का जो MCQ का जो फंडा रहेगा वो यही रहेगा कि पहले मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, आप टॉपिक पढ़ोगे, फिर उसके बाद उसके ऊपर क्विज सेशन होगा. तो मुझे आज कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना कि आज हम 10 PM के पे ऊपर करें या फिर कल 10 PM के ऊपर करें. ठीक है, तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना इस वीडियो को देखने के बाद. अभी स्टार्टिंग में ही शुरू मत हो जाना, अभी इस सेशन को देखो आराम से. थ्योरीज ऑफ लेबर वेलफेयर है क्या, 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर इसको हम खत्म करेंगे. 15 मिनट लगेंगे, 10 मिनट के अंदर हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, समझ आ गया तो बता देना मुझे. ठीक है जी, फिर मैं अगर आज रेडी हो जाएंगे सारे तो फिर मैं पोस्ट डाल दूंगा आज विद इन 15 और हाफ एन आवर की. हाँ ठीक है, आज 10 बजे सेशन है. और अगर आज के लिए नहीं कल के लिए बोलोगे तो फिर मैं दिन में पोस्ट डाल दूंगा कि आज मतलब जब भी 10 बजे होगा 9 बजे होगा. ठीक है, तो क्लियर हो गया. अब चलते हैं थ्योरीज ऑफ लेबर वेलफेयर के ऊपर. देखो जी, 8 तरह की थ्योरीज के बारे में आप पढ़ोगे. पुलिस थ्योरी को हम पॉलिसी थ्योरी भी बोलते हैं. ठीक है, पहली चीज तो ये क्लियर कर लो. रिलीजियस थ्योरी, फिलेंथ्रोपिक थ्योरी, पैटर्नलिस्टिक और ट्रस्टीशिप थ्योरी, प्लगेटिंग थ्योरी, पब्लिक रिलेशन थ्योरी, फंक्शनल थ्योरी एंड सोशल थ्योरी. तो इन थ्योरीज के बारे में हम बात करेंगे. तो वन बाय वन आइए इनको देखते हैं क्या है ये पॉलिसीज थ्योरीज के बारे में. देखो जी, पॉलिसी थ्योरी, इस थ्योरी में बोला गया है, इस थ्योरी को और क्या बोला हमने, पुलिस थ्योरी. तो इसको ना यहीं से पे समझ लो ये थ्योरी क्या है पूरी, बस आपको आगे जाने के समझने की ज्यादा टेंशन नहीं होगी. फिर देखो जी, पुलिस थ्योरी बोलती है कि पुलिस का काम क्या होता है. पुलिस का काम होता है जो गलत काम कर रहा है उसको पकड़ के अंदर करो, है ना, या जो गलत हो रहा है उसको सही करो. ठीक है, कुछ तो इसलिए पुलिस थ्योरी बोलती है या पॉलिसी थ्योरी बोलती है कि अगर अपना अब इसको तो हम लेबर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिशमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं. तो ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बोलती है कि अगर यहाँ पे कोई लॉज इनेक्टमेंट्स पॉलिसीज ना हो, कोई कंपल्सर्स ना हो एम्प्लॉयर के ऊपर, ठीक है, कोई सुपरविजन ना हो उसको, कोई उसको फियर ऑफ पनिशमेंट पेनल्टी ना हो, तो वो मिनिमम वेलफेयर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड नहीं करेगा इम्प्लाइज को. ये थ्योरी बोलती है. क्या बोला मैंने, अगर वहां पे कोई कंपल्शन, कोई वहां पे अगर कोई सुपरविजन, कोई वहां पे फियर ऑफ पनिशमेंट ना होगा, कोई वहां पे लॉज नहीं होंगे, कोई वहां पे पॉलिसीज अगर नहीं होंगी, ठीक है, तो कोई पेनल्टीज नहीं होगी, तो इम्प्लायर जो है वो मिनिमम से मिनिमम वेलफेयर फैसिलिटीज जो देनी चाहिए उसको अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो भी नहीं देगा. ये थ्योरी बोलती है. ठीक है, क्यों? बिकॉज जो इम्प्लायर होता है या जो मैन होता है वो सेल्फिश होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है. ये इस थ्योरी में बोलता है. और जो इम्प्लायर है वो क्या करता है, फिर इम्प्लाइज का एक्सप्लाइटेशन करता है. बस ये 3-4 वर्ड्स आपको याद रखना है. तो आइए देखो, यहाँ पे लिखा दिस थ्योरी अज्यूम्स दैट कि मैन इज सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड एंड ही ऑलवेज ट्राइज टू अचीव हिज ओन एंड. वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए इवन एट द कॉस्ट ऑफ द वेलफेयर ऑफ अदर्स. तो दूसरों को नुकसान करके वो अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करता है. सिंपल सी बात है. क्यों? बिकॉज ही इज सेल्फ सेंटर्ड. पहली चीज लाइन क्लियर होगी. ठीक है, दूसरा कि द अजम्पशन ऑन द थ्योरी ऑन विच द थ्योरी इज बेस्ड इज दैट कि विदाउट कंपल्शन सुपरविजन और फियर ऑफ पनिशमेंट नो एम्प्लॉयर विल प्रोवाइड इवन द बेरेस्ट मिनिमम वेलफेयर फैसिलिटीज फॉर वर्कर. कि अगर वहां पे कोई कंपल्शन ना हो, सुपरविजन और फियर ऑफ पनिशमेंट ना हो, तो कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो मिनिमम वेलफेयर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड नहीं करेगा वर्कर्स को.
ये थ्योरी। दूसरी लाइन, तीसरी, कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ओनर्स एंड द मैनेजर्स ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग गेट मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। तो वो क्या करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स का करते हैं। एंड द लास्ट इज की द स्टेट, इसलिए फिर स्टेट स्टेट मतलब गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट हैज देयरफॉर टू स्टेप इन टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉयटेशन बाय इनएक्टिंग स्टिफ लॉज। तो फिर गवर्नमेंट को इसलिए क्या बनाने पड़ते हैं, स्टिफ लॉज बनाने पड़ते हैं, ताकि जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो क्या नहीं करें, एक्सप्लॉयटेशन नहीं करें, किसका, वर्कर्स का। तो ये है थ्योरी, ठीक है। तो आपको बस दो तीन वर्ड्स यहाँ पे याद रखने हैं कि ये वाली लाइन विदाउट कंपल्शन सुपरविजन और फियर ऑफ पनिशमेंट वाली, एक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर, एक इनएक्टिंग स्टिफ लॉज बनाने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया, जो रेड रेड किया है ना मैंने, वो इंपॉर्टेंट होता है, इसका मतलब ये कीवर्ड्स है किसी भी जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, क्लियर हो गया। और इस ये जो हम थ्योरीज करेंगे ना, इसके बाद हम लास्ट में तीन से चार न्यूमेरिकल भी, न्यूमेरिकल अंडरस्टैंड जो भी पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चन इन थ्योरीज से, वो भी हम करेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ हमने जो पढ़ा आप उसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे, ठीक हो गया, क्लियर हो गया, समझ आ गया पॉलिसी थ्योरी। नेक्स्ट चलते हैं रिलीजियस थ्योरी, नाम ही बता रहे हैं रिलीजियस मतलब स्पिरिचुअल। तो आपने दो चीजें सुनी होगी, वही यहाँ पे है। पहली क्या है, आपने कई बार सुना होगा कि कर्म करते रहो फल की चिंता मत करो, क्या करो, कर्म करते रहो फल की चिंता मत करो। और दूसरा आपने सुना होगा कि अगर आपसे कोई पाप हो जाता है तो उसका हमें प्रायश्चित करना चाहिए, सुना है आपने, है ना, ये दो वर्ड सुने हैं। तो बस यही रिलीजियस थ्योरी के दो एस्पेक्ट है यहाँ पे। द रिलीजियस थ्योरी हैज टू कनोटेशंस, नेमली द इन्वेस्टमेंट एंड द अटोनमेंट। अटोनमेंट का हिंदी में मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, प्रायश्चित करना, है ना। तो ये इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट क्या बोलता है, अब जो भी मैंने आपको बात बताई ना कि कर्म करते चलो फल की चिंता मत करो, स्पिरिचुअल रिलीजियस, है ना, और दूसरा बोला कि अगर आपसे कोई पाप हो चुका है तो उसका प्रायश्चित करो, ये भी स्पिरिचुअल है। तो ये दो कनोटेशंस हैं, इन्वेस्टमेंट और अटोनमेंट, मतलब क्षतिपूर्ति करना, प्रायश्चित करना। तो इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट बोलता है आपका, ऑफ द रिलीजियस थ्योरी इंप्लाइज दैट कि द फ्रूट्स ऑफ द टुडेज फीड विल बी रिएप्ट टुमारो, कि जो भी आप काम करोगे उसका जो फल है आपको वो कल मिलेगा, यही बोलता है ना। सो एनी एक्शन चाहे गुड हो चाहे बैड हो इज देयरफॉर ट्रीटेड एज एन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब जो भी आपका कर्म, मतलब आप कर्म अच्छा करो, कर्म में इन्वेस्टमेंट करो अपनी तगड़ी, जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो रिजल्ट्स को छोड़ दो, अगर आपका कर्म बेस्ट होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट सही होगी, आपकी प्रेपरेशन सही होगी, तो ऑब्वियस ही बात है आपके रिजल्ट, फल जो आपका होगा वो कल की बात है, वो अच्छा ही मिलेगा, क्लियर हो गया। सो इंस्पायर्ड बाय दिस बिलीफ, सो इसी बिलीफ से इंस्पायर होकर कुछ एम्प्लॉयर्स ने दे प्लान एंड ऑर्गेनाइज कैंटीन्स एंड क्लचेस फैसिलिटीज टू दी वर्कर्स, ठीक है। और दूसरा एस्पेक्ट है अटोनमेंट एस्पेक्ट, ये बोलता है कि प्रेजेंट डिसेबिलिटीज ऑफ द पर्सन आर द रिजल्ट ऑफ गेन्स कमिटेड बाय हिम प्रीवियसली। तो जो भी उसने प्रीवियसली कुछ अपना एक्शंस किए हैं उसी का रिजल्ट होता है जो ये प्रेजेंट में उसकी डिसेबिलिटीज है। मतलब जैसे सपोज आपने अभी मेहनत नहीं की और कल को जब आपका नेट का रिजल्ट आएगा और आप फेल हो गए, तो जो उस टाइम जो रिजल्ट है आपके, जो डिसेबिलिटीज है, वो जो आपने प्रीवियसली जो मेहनत नहीं की उसी का ही फल होता है। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, सो ही और शी शुड अंडरटेक टू डू गुड डीड्स। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, गुड डीड्स करनी चाहिए नाउ टू अटोन और कॉम्पनसेट फॉर हिज और हिज सन्स। तो फिर आपके पास क्या रास्ता है, तो बोलता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपकी पुरानी गलतियां हैं उनको कॉम्पनसेट करने के लिए आपको अच्छे कर्म करने चाहिए, ये बोला है, समझ आ गया। मतलब बहुत सिंपल है यार, इतना तो बच्चों को बताते हैं इतना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, समझ आ गया, सिंपल सी बात थी। आगे चलते हैं तीसरी थ्योरी की तरफ, द फिलेंथ्रोपिक थ्योरी। फिलेंथ्रोपी का मतलब समझते हो, दयालु, मैनकाइंड, मैनकाइंड मतलब वर्ड है यहाँ पे, वैसे इसका मतलब होता है दयालु, ठीक है, जो कि सोशली बंदा दूसरों के लिए जो जीता है मतलब, ठीक है जी। तो फिलेंथ्रोपी मीन्स अफेक्शन फॉर मैनकाइंड, ठीक है। तो फिलेंथ्रोपिक थ्योरी बोलती है कि द फिलेंथ्रोपिक थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर रेफर्स टू द प्रोविजंस ऑफ गुड वर्किंग कंडीशंस क्रच फैसिलिटीज ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर, ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर हु वांट टू रिमूव द डिसेबिलिटीज ऑफ द वर्कर्स। तो मतलब सोसाइटी में जो भी पर्सन, इसको सिंपल ऐसे वे में समझो कि सोसाइटी में जो भी पर्सन दूसरों की कष्ट को दूर करने के लिए जीते हैं उनको बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है जी। तो वैसे ही, और इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन आपने कई बार नाम सुना होगा, ही वॉज द फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिक एम्प्लॉयर थे वो इंग्लैंड के। तो जहां भी फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपी का नाम आएगा वहां पे इन भाई साहब का नाम जरूर आएगा, दैट इज रॉबर्ट ओवन, है ना। अच्छा, फिलेंथ्रोपी थ्योरी इज मोर कॉमन टू इन सोशल वेलफेयर। तो मतलब सोशल वेलफेयर करना उसी को बोलते हैं फिलेंथ्रोपिक थ्योरी। फिलेंथ्रोपी का मतलब ही होता है दयालु, मतलब सोसाइटी के लिए जीना, सोसाइटी के लिए कुछ करना, ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना, तो ये फिलेंथ्रोपी बोलती है। इसलिए बोलता है कि जो एम्प्लॉयर्स है ना उनको थोड़ा सा फिलेंथ्रोपिस्ट होना चाहिए,
टू दी वर्कर्स के लिए, ये मेन थ्योरी ये बोलती है, ठीक है जी। तो फिलेंथ्रोपिक डीड्स क्या कर सकते हैं वो, मतलब ऐसे क्या काम कर सकते हैं, उनको बेटर हॉस्टल्स प्रोवाइड करके, बेटर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करके, रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज, है ना, डोनेशन टू रिलीजियस एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ये सारे क्या है एग्जांपल्स ऑफ द फिलेंथ्रोपिक डीड्स, अच्छे कर्म, ठीक है जी। फोर्थ, पैटर्नलिस्टिक थ्योरी एंड द ट्रस्टीशिप थ्योरी, एक ही थ्योरी है। इस थ्योरी को ऐसे समझो, पैटर्नलिस्ट कौन होते हैं, आपके माता पिता, और ट्रस्टीशिप कौन होता है, जो भी ट्रस्टीज, जैसे जो आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एस्टेब्लिशमेंट है, उसमें ट्रस्टी कौन होगा, इम्प्लायर होगा ट्रस्टी, किसका, इम्प्लाई का। तो मतलब इम्प्लाई का ट्रस्टी कौन होगा, इम्प्लायर, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट अगर हम बात करें, अगर घर पे बात करें तो घर पे पेरेंट्स जो होंगे वो आपके ट्रस्टीज होंगे, और आपके मतलब आपके भी नहीं, मतलब जैसे जो भी आप जो हो, ठीक है, तो वो क्या होंगे, वो आपके, फिर से यार, आपके नहीं, मतलब आप जो हो वो वहां पे माइनर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझो, भी आपको लग जाएगा पता क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। इन दिस थ्योरी इट इज हेल्ड दैट कि इंडस्ट्रियलिस्ट और इम्प्लायर्स होल्ड द टोटल इंडस्ट्रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज और प्रॉफिट एक्रूइंग फ्रॉम देम इन ट्रस्ट फॉर द वर्कमैन, फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर सोसाइटी, ठीक है। तो बोलता है कि जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, जिनके पास बहुत ज्यादा एस्टेट है, प्रॉपर्टीज है, प्रॉफिट्स वो जो अर्न करते हैं, ठीक है, तो उनको क्या करना चाहिए, जो भी वर्कमैन है, जो, ठीक है, जो भी सोसाइटीज है, उनके लिए उनको कुछ करना चाहिए, मतलब ये उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सो इम्प्लायर्स देयरफॉर हैव द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ देयर वार्ड्स, दैट इज वर्कर्स। तो उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लुक आफ्टर करें किसकी, वर्कर्स की। क्यों क्यों, क्योंकि इट इज अज्यूम्ड दैट कि द वर्कमैन आर लाइक माइनर्स, वो क्या होते हैं, माइनर्स की तरह होते हैं। क्यों, बिकॉज दे आर नॉट बी एबल टू लुक आफ्टर देयर ओन इंटरेस्ट एज दे आर इग्नोरेंट बिकॉज ऑफ देम, बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ एजुकेशन, बिकॉज दे आर नॉट एजुकेटेड, सो उनकी ज्यादा इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती है कि वो अपनी, तो इसलिए उनका भला करने के लिए क्या करना चाहिए, जो इम्प्लायर्स है उनको उनकी लुक आफ्टर करनी चाहिए, वो उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये थ्योरी वो बोलती है। क्लियर हो गया, सिंपल सी बात समझ आ गई ना। जैसे आप यार क्या हो, आपके पेरेंट्स और आप, तो आप हो गए माइनर, और आपके पेरेंट्स की बोलता है कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपकी लुक आफ्टर करे, केयर करे, ठीक है। और ट्रस्टीशिप थ्योरी भाई उसको ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर दो कि इम्प्लायर क्या कौन हो गए, जो ट्रस्टीज हो गए, और इम्प्लाईज क्या हो गए या वर्कर्स क्या हो गए, वो आपके माइनर्स हो गए, ठीक है, समझ आ गया, सिंपल सा। फिफ्थ थ्योरी, प्लेकेटिंग थ्योरी। प्लेकेटिंग मतलब होता है शांत करना, क्या करना होता है, शांत करना। तो अब जो टाइम है वो ऐसा नहीं है, मतलब लैक ऑफ एजुकेशन वाला टाइम खत्म हो चुका है, जो लेबर है ना वो भी बेटर ऑर्गेनाइज्ड है और मोर डिमांडिंग हो चुकी है, बिकॉज दे आर मोर अवेयर, दे आर मोर एजुकेटेड एंड मोर कॉन्शियस अबाउट देयर राइट्स एंड प्रिविलेजेस, जो भी उनके अधिकार और विशेषाधिकार है उनके प्रति वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं, दे नो कि क्या हमारे अधिकार है क्या नहीं है, और इसी लिए वो बेटर ऑर्गेनाइजेशंस बना चुके हैं, और जिस वजह से वो मोर डिमांड्स अपनी रख रहे हैं रिगार्डिंग हायर वेजेस और अदर स्टैंडर्ड्स, जो भी वर्किंग कंडीशन है उनके लिए। तो इसलिए अगर आपको तो आपको क्या करना चाहिए इम्प्लायर को, तो मतलब द एप्लीकेटिंग थ्योरी एडवोकेट्स ये बताती है कि यू मस्ट हैव टू एक्ट टाइमली एंड पीरियोडिकली फॉर लेबर वेलफेयर टू अपीज द वर्कर, टू अपीज मतलब उनको शांत रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, पीरियोडिकली टाइमली जो है वो लेबर वेलफेयर एक्ट्स जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए, लेबर वेलफेयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए आपको, ठीक है जी। ये बोलती है एप्लीकेटिंग थ्योरी, मतलब शांति 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 आपको चाहिए, देनी है, मतलब वर्कर्स को शांत रखना है, ये बोलने का मतलब है, ठीक है। क्यों, बिकॉज अब वो बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके हैं, बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं अपने राइट्स और प्रिविलेज को लेके, ठीक है, सिंपल है। मतलब मेरी कोशिश रहती है कि आपको समझ आ जाए ढंग से, अदरवाइज आप इनको खुद भी पढ़ोगे ना, जो मैंने कलर्ड किए हैं ये जो कीवर्ड्स हैं, तो आप खुद भी समझ लोगे इनको, ठीक है, सिंपल है। सिक्स थ्योरी इज पब्लिक रिलेशन थ्योरी, नाम ही बता रहे हैं पब्लिक रिलेशन की थ्योरी। पब्लिक में आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए, कब रिलेशन अच्छे होंगे वो यहाँ पढ़ो, देखो। वेलफेयर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वेलफेयर एक्टिविटीज आर प्रोवाइडेड टू क्रिएट अ गुड इंप्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, गुड इंप्रेशन ऑन द माइंड्स ऑफ द वर्कर एंड द पब्लिक, पर्टिकुलरली द लेटर, लेटर मतलब पब्लिक के ऊपर आपका जो गुड इंप्रेशन पड़ना चाहिए। तो वेलफेयर एक्टिविटीज आपको क्यों प्रोवाइड करनी है, ताकि आपका गुड इंप्रेशन पड़ सके किसके ऊपर, पब्लिक के ऊपर, ये बोलने का मतलब है, ठीक है, समझ आ गया। सो उसके लिए आप क्लीन एंड सेफ वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करो, गुड कैंटीन्स, क्रेच एंड अदर एमिनिटीज प्रोवाइड करो, सो दैट कि यू मेक अ गुड इंप्रेशन ऑन द वर्कर, विजिटर्स एंड द पब्लिक, समझ आ गया। ये बोलती है पब्लिक रिलेशन थ्योरी, इतनी सी बात है। तो आपको मतलब एक आपको गुड इंप्रेशन, आपको गुडविल बनानी है अपनी, गुडविल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड,
और गुड इंप्रेशन, एक ही बात है ठीक है पब्लिक में, इसको बोलते हैं पब्लिक रिलेशन। द सेकंड लास्ट थ्योरी इज फंक्शनल थ्योरी, इसको हम एफिशिएंसी थ्योरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एफिशिएंसी थ्योरी, कि आपको जो लेबर वेलफेयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है वो क्यों करनी है, ताकि आपका जो वर्कर्स है वो मोर एफिशिएंट हो सके। और ऑब्वियस ही बात है यार, जब आपके वर्कर्स मोर एफिशिएंट होंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा, तो सही है आपके लिए ठीक है। सो इफ वर्कर्स फेड प्रॉपरली, क्लोथ्ड एडिक्वेटली एंड ट्रीटेड काइंडली, देन इफ द कंडीशंस ऑफ देयर वर्क आर कंजेनियल, दे वर्क मोर एफिशिएंटली। अगर उनको आप अच्छी तरह खिलाओगे, अच्छे कपड़े दोगे, अच्छे उनके साथ व्यवहार करोगे, उनको बेटर वर्किंग कंडीशंस दोगे, तो ऑब्वियसली बात है उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, और एफिशिएंसी बढ़ेगी तो आपके लिए ही वो फायदा है इन फ्यूचर। क्लियर हो गया? एंड द लास्ट जो कि आज के टाइम पे सबसे प्रोमिनेंट थ्योरी है, दैट इज सोशल थ्योरी। Social obligation of an industrial establishment has been assuming the great significance these days. Very very important. ठीक है? क्यों? Because जैसे आपने CSR पढ़ा है आपने, corporate social responsibilities, तो वो आज के time पे सबसे ज़्यादा trending है इन सभी theories में। क्यों? Because ये अभी establishments या industries की ये social responsibility बन चुकी है कि जो भी उनकी जहाँ पे वो industry है, वो उस society को क्या करे? Improve करे। So, social theory implies that a factory is morally bound, very very important, to improve the conditions of the society in addition to improve the condition of employees. मतलब अपने worker और employees की conditions को improve करने के साथ साथ उनको क्या करना है, अपनी society की conditions को भी improve करना है. That is, वो उनकी एक moral responsibility है, इसके लिए वो morally bound है. ठीक है जी? So, therefore, we can say कि labor welfare is gradually becoming the social welfare. तो हम बोल सकते हैं कि अब जो labor welfare है वो एक social welfare बनता जा रहा है. Obviously बात है, अगर वो society को improve करेंगे तो वो एक social welfare ही हो रहा है. ठीक है? ये थी आपकी आठ theories. Simple थी यार, बहुत आसान थी. समझ लेना, अगर नहीं समझ आए तो एक बार दोबारा देख लेना. Easy था मतलब. ठीक है? अब यहाँ पे क्वेश्चंस जो आए हुए थे, अब यहाँ पे डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लेबर वेलफेयर दी हुई हैं, तो आपको पिकअप रॉन्ग वन आपको चूज करनी है. पुलिस थ्योरी पढ़ी है, आंसर सही है. नीड थ्योरी हमने पढ़ी कहीं पे, गलत है. रिलीजियस थ्योरी पढ़ी, बिल्कुल सही बात है. फ्रेंडशिप थ्योरी, अरे यार कहाँ आ गई, यहाँ पे नहीं है आंसर. फिलेंथ्रोपिक थ्योरी पढ़ी. ट्रस्टीशिप थ्योरी, यस, इसको क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं यार इसको, बोलते हैं पैटर्नलिस्टिक थ्योरी. ठीक है जी? तो इसका आंसर मतलब बी और डी नहीं आएगा, तो आंसर इज सीटा. क्लियर हो गया? सिंपल था. नेक्स्ट, ये आप जुलाई 2018 में क्वेश्चन आया था ये. ठीक है? अभी यहाँ पे ऐसे मत देखो कि ऐसे ऐसे मैंने दे दिया है, ये आपको क्वेश्चन से मतलब है ना, बिकॉज अब इतना तो नहीं कर सकते कि इसको कैसे साफ सुथरा करें, तो इतना तो नहीं है ना. क्वेश्चन क्या है देखो, यहाँ पे एक तरफ आपको थ्योरीज दी हैं और एक तरफ आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दिया है. तो पहली क्या है, विदाउट कंपल्शन एम्प्लॉयर्स डू नॉट प्रोवाइड इवन द मिनिमम फैसिलिटीज फॉर वर्कर. तो ये तो हमने अभी पढ़ा था पुलिस थ्योरी में, है ना. तो इसका सीधा आंसर मतलब ए का तो फोर्थ ही हो जाएगा, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे कैंसिल हो गए. सेकंड देखो, एनी गुड वर्क इज कंसीडर्ड एज एन इन्वेस्टमेंट बाय विच बोथ द बेनिफिशियरीज आर रिवार्डेड. मतलब जो जिस जो गुडविल कर रहा है और जिसके ऊपर हो रही है, मतलब जो अच्छा काम कर रहा है, तो वो दोनों के लिए बेनिफिट होता है गुड वर्क. तो इन्वेस्टमेंट हमने पढ़ा था कहाँ पे पढ़ा था, हमने पढ़ा था रिलीजियस थ्योरी में. क्लियर हो गया? एंड सो इसका बी का आ जाएगा थर्ड, दैट मीन्स के आंसर आपका आ गया फर्स्ट. बाकी आप देख सकते हो खुद, है ना, बहुत ईजी है. And the last question of today's session is, in which of the following approaches goodwill is considered as an important goal of labor welfare work? तो goodwill बनाना, good impression बनाना, वो important goal होता है labor welfare का. कौन सी theory में ऐसा बोला गया है? Public relation theory, simple सी बात है यार. Plating theory में तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं गया है, वहाँ पे तो simple सी बात की हुई है कि वो minor होते हैं worker, तो आपको उनको क्या करना है, उनकी moral responsibility है आपकी, अपने minors को अपने उनकी look after करनी है, ये बोलती है plating theory. यही बोलती है ना, सिंपल सी बात है यार, अभी तो बताया था आपको. पब्लिक रिलेशन क्या बोलती है, कि आपको गुडविल गुड इंप्रेशन बनाना है पब्लिक में. फंडामेंटल थ्योरी क्या बोलती है, ऐसी कोई थ्योरी नहीं पढ़ी हमने. फिलोथ्रोपिक थ्योरी क्या बोलती है, फिलोथ्रोपिक बोलती है कि अफेक्शन टू मैनकाइंड. ठीक है जी? तो ये थे आपके आज के थ्योरीज ऑफ लेबर वेलफेयर. तो इनको कर लेना, आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा, दो मार्क्स इस लेबर वेलफेयर टॉपिक का, ये भी डन करो. ठीक है जी? और बाकी मुझे अभी कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो कि आज 10 बजे लाइव सेशन करना है या कल 10 बजे करना है. ठीक है? तो अगर आज करना होगा तो फिर मैं पोस्ट डाल दूंगा साथ में कि 10 बजे रेडी रहना. एंड द टॉपिक इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर? थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू ऑल.